उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अतिक्रमण मुहिम के तहत हटाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गोवर्धन सागर के अतिक्रमण हटाए गए और 92 अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाए गए। ये अतिक्रमण लंबे समय से चिन्हित किया हुआ था। उज्जैन में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि शहर में 331 अतिक्रमण हटाए जाने हैं, जिसे लेकर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि सप्त सागरों में से एक गोवर्धन सागर के उन अतिक्रमणों को हटाया गया जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए थे। जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमण मुहिम लगातार जारी रहेगी। पहले से भी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वो सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि सिंहस्थ मेला क्षेत्र में भी साल 2016 के बाद किए गए अतिक्रमणों को ही हटाने की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने के लिए 5 बुलडोजर लगाए गए थे। तो दोस्तों, अब इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।